My colleague Arzu is standing by. Arzu, what are people on the ground saying? Well, Rishabh, right now I'm in a New Delhi constituency where Basusara is against the Somnath Bharti. Let me go across the public here to take their reaction. Ma'am, have you casted your vote? Yes, I have. Ma'am, what message you want to give and what are the issues on that basis you have casted your vote? Well, there are a lot of issues, but I think health and education and safety for women and children, they'll be always important ones. And that's what my concern is all about. Ma'am, there are several issues regarding national capital, whether we talk about pollution. So have you kept that also in your mind? Yes, cleanliness is also one of the most important issues. We see in Central Delhi also these days, you know, it's not very clean. So I'm up for that too. And that's a very crucial one. Okay, yeah. So we also have more people. Ma'am, aapne apna vote de diya hai? Ji haan, bilkul vote diya hai. Ma'am, kya mudde hain jinko dhyan mein rakke vote kiya hai? Mudde kya hai, government jo hai, badalti rehni chahiye. हमेशा जो भी है एक ही इंसान नहीं होना चाहिए सीट पे. जो भी अब नए नए मुद्दे उठते रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आज हम जो कुछ देख रहे हैं उसको देख अभी जो देख रहे हैं उसके बाद जो है हमें अपनी कमी पेशी नज़र आती है. हम सोचते हैं कि चलो चेंज हो तो कुछ नया इंसान आएगा तो वो चेंज करेगा. तो आपको लग रहा है जो मौजूदा थे उन्होंने काम किया है दिल्ली के लिए या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? नहीं, हमें नहीं लग रहा. अच्छा, हमें महसूस नहीं हो रहा. सर, क्या मुद्दे थे जिनको ध्यान में रख के वोट किया है? क्या लग रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हुआ है? इस बार तो काम नहीं हुआ है. सेड, चलो जो भी है बताया मैडम ने, हमने वोट डाला. हमारा जो अधिकार है हमें वोट डालने का, सबको वोट डालना चाहिए, मेरा तो यही मानना है. लेकिन हम देख रहे हैं पोलिंग बूथ एकदम खाली पड़ा हुआ है. हाँ, लोग आ नहीं रहे सुबह के. वो तो अभी मॉर्निंग है ना, अभी थोड़ा धीरे धीरे लोग आएंगे, वोट डलेगा और लोग समझते हैं जिसको वोट डालना है वो सबकी अपनी अपनी है. थैंक यू मैडम. थैंक यू सर. मैम, व्हाट आर द इश्यूज ऑन दैट बेसिस यू हैव कास्टेड योर वोट? क्या इश्यूज थे जिनको ध्यान में रख के वोट किया है? मैम, सरकार चेंज होना चाहिए, नया आना चाहिए. एक ही आदमी काफी दिन हो गए ना. हाँ, चेंज होना ज्यादा बेटर है. अच्छा, दिक्कत क्या है अगर दिल्ली की कुछ मान ले तो कुछ काम ही नहीं आए. जो नया सरकार है वो थोड़ा क्या करेगा देखेगी, उनको भी एक मौका देना चाहिए. केजरीवाल जेल में थे और लगातार वो अपील कर रहे थे कि जेल का जवाब वोट से, तो आप लोगों को क्या वो इफेक्ट कर रहा है? हाँ जी. अच्छा, इमोशनली आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं? हाँ. ओके. इमोशनली नहीं, वैसे भी आना चाहिए, उन्होंने तो बहुत खराब है इधर को. अच्छा, हाँ. सो यू कैन सी ओल्डर पीपल आर ऑल्सो कमिंग अप टू कास्ट देयर वोट इन द अर्ली मॉर्निंग. मैम, वोट कर दिया, एक बार दिखा दीजिए. दिखा दिए. मैम, क्या चीज ध्यान में रख के वोट किया है आज? ध्यान थी ना मोदी जी को दी है. अच्छा, उनका काम अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. उसके उनके दिए है. क्या एज है मैम आपकी? एज क्या है? उम्र इसका 76 साल. अच्छा सर, क्या क्या मुद्दे थे जिनको ध्यान में? अरे, हम सुषमा स्वराज को दे दिए हैं, बीजेपी वालों को देते हैं, बीजेपी वाले हैं बस. सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज इस बार लड़ रही है, लग रहा है बासुरी को दिया है. एक नंबर पर लग रहा है वो आप लोगों के लिए काम करेंगी. क्या अच्छा कुछ काम करेगी वो? माँ से अच्छा काम करेगी, माँ से तेज है वो. क्या कुछ दिक्कतें हैं दिल्ली की? कोई दिक्कत नहीं. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.